हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं। हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का, ये हमारा दोस्तों बीटेक में फोर्थ ईयर में लास्ट सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर एक में हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यूनिक सीरीज के साथ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वन। जो हमारे यूनिट वन है वो है ऑटोमेशन। ये हमारा दोस्तों पार्ट वन है, यूनिट वन का पार्ट वन है। जो इसमें बच जाएगा यूनिट वन में उसे हम पार्ट टू में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा यूनिट वन है ऑटोमेशन, तो यहां पे हम फर्स्टली बात करेंगे व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होता क्या है, इसकी नीड क्यों है, ऑटोमेशन की नीड क्यों है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर बात करेंगे हम टाइप ऑफ ऑटोमेशन के बारे में कि कितने टाइप के ऑटोमेशन होते हैं। फिर हम इसी वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ पीएलसी कि पीएलसी हम जो यूज करते हैं ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में वो क्या उसका रोल है, पीएलसी का किस तरीके से काम करती है। और लास्ट में बात करेंगे वेरियस एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन, उसके वेरियस एलिमेंट के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेशन दोस्तों हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हमारा होता है ऑटोमेटिक, दूसरा हमारा होता है ऑपरेशन। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा काम है जहां हमें ह्यूमन का इफर्ट बहुत कम करना पड़े और वो हमारा काम आसानी से हो जाए, वहां हमारा काम कैसा है वो ऑटोमेटिक कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी हमारी जो बाइक आती है, पहले क्या होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गियर स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बट अब बहुत सी गाड़ियां ऐसी आ गई हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। ऑटोमेटिक कहने का मतलब वो स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आप उसका क्या होता है, गियर चेंज होता रहता है, हमें मैन्युअली इफर्ट नहीं देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, चेंज होता है। तो ये हमारा होता है ऑटोमेटिक का मतलब। कहने का मतलब जहां हमें ह्यूमन इफर्ट बहुत कम करना पड़े वो ऑटोमेटिक हो जाए, वह हमारा होता है ऑटोमेटिक। अब ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है वह हमारा हो रहा है, जिस प्रोसेस से वह एक तरीके का हमारा ऑपरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला क्या कर रहा है कि ऑटोमेशन, ये प्रोसेस ऑटोमेशन हमारा ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें बहुत ही परफॉर्म विद द मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस, यानी बहुत ही नॉर्मल हम असिस्टेंस करते हैं, बट हमारा वो जो काम है वो पूरी तरीके से ऑटोमेशन के द्वारा पूरी तरीके से होता है। अगर आप देखते हैं अब गूगल में क्या होता है कि हम लिखना नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, सिर्फ स्पीक करते हैं, हम स्पीक करते हैं और वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है और हमें क्या हो जाता है, बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाता है। ये एक तरीके का हमारा क्या है, ऑटोमेशन है, क्योंकि सिर्फ बोल रहे हैं वो ऑलरेडी राइट कर ले रहा है, खुद समझ के अपना काम कर रहा है। ये हमारा क्या है, ऑटोमेशन का एक दोस्तों एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बाइक का एग्जाम्पल बताया, गियर किस तरीके से चेंज होता है, ये जनरल एग्जाम्पल है। अगर आप बताते हैं ऑटोमेशन में तो इफर्ट ज्यादा अच्छा दिखता है कि आपको कैसे समझ में आता है कि ऑटोमेशन क्या होता है। आप देखते हैं कि जो हमारे हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं गूगल के, हम क्या करते हैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक ऑटोमेशन है जो क्या करता है, समझता है कि इसे क्या करना है और इजिली इंग्लिश के लैंग्वेज को क्या करता है, हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। ये भी हमारा एक क्या है, ऑटोमेशन है। तो वही कह रहा है कि जो ह्यूमन को इफर्ट को क्या करे, कम करे और खुद समझने का, समझ के काम करता है, वो हमारा एक तरीके का हमारा क्या होता है, ऑटोमेशन होता है। जो हमारा ऑटोमेशन होता है ये एक किसी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी एक तरीके का ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजों को, कंप्यूटर सबको कंबाइन करके एक प्रोसेस बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑटोमेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑटोमेशन होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या है, सारी ब्रांच हमारी जो होती है इंजीनियरिंग की वो इंक्लूड होती हैं और उन सारी ब्रांच को मिला के एक प्रोसेस हम बनाते हैं, एक मशीन बनाते हैं जो हमारा क्या करता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है, वो हमारा होता है ऑटोमेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑटोमेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेशन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। अब देखते हैं ऑटोमेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला हमारा पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे, टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर देखो, अगर हमारा ह्यूमन इफर्ट काम करेगा तो होता क्या है, कभी वो थकेगा,
तो काम कम करेगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कम निकलेगी। तो यहां क्या कर रहा है, टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। जब हम ऑटोमेशन को अपनाते हैं तो हमें यहां पे होता क्या है, हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है लेबर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, और जो लेबर की कॉस्ट है, जो हमें ह्यूमन जब हमारा काम कर रहा है, इफर्ट कर रहा है, तो उसमें पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज होती है। बट अगर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो रिड्यूस हो जाती है हमारी लेबर कॉस्ट। थर्ड हमारा कह रहा है कि टू डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ द लेबर स्टोरेज, जो हमारा काम एक बंदा कर रहा है या फिर 10 मैन पावर कर रही है एक ही काम को, वह मशीन ऑटोमेशन के द्वारा कई सारे काम क्या कर सकती है, इजिली कर सकती है, और हमें वहां पे लेबर भी कम रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टू इम्प्रूव द वर्क सेफ्टी, और हमारा जो वर्क सेफ्टी का प्रोसेस है वह बिल्कुल इम्प्रूव होता है, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन इफर्ट काम करता है तो गलती होने के चांसेस है, सेफ्टी हो सकता है कि चोट लग सकती है, बट हमारा जब ऑटोमेशन से काम होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट कह रहा है टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो हमारी क्वालिटी बन रही है वह भी हमारा क्या होता है, इम्प्रूव होता है ऑटोमेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम से क्या है, अगर हमारा ह्यूमन काम करता है, आदमी काम करता है उस काम को, तो उसमें क्या है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, बट ऑटोमेशन में क्या है, यह चीज भी हमारी क्या है, रिड्यूस हो जाती है, और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग हमारा टाइम क्या होता है, कम लगता है। सेकेंड प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस कह रहा है हमारा कि टू एकम्प्लाइज अ प्रोसेस दैट कैन बी डन मैनुअली। इसमें होता क्या है, हमारे बहुत सारे प्रोसेस जो भी मैनुअली करने नहीं पड़ते हैं, सब ऑटोमेशन के द्वारा होते हैं। जैसे कि मैंने कहा हमारी गाड़ी बहुत सारी आती है जो स्पीड के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन से वो क्या हो जाता है, गियर ऑलरेडी चेंज हो जाता है। जब अभी हम क्या करते हैं, पैर से गियर लगाना पड़ता है हमें, ऑटोमेटिक स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम गियर को चेंज करते हैं ना, कि एक नंबर लगाना है, दो नंबर लगाना है, तीन नंबर लगाना है, बट अब हमें यहां मैनुअल काम नहीं करना पड़ रहा, वो खुद सेंस करती है और खुद डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से गियर को चेंज करना है। तो इस तरीके से बहुत सी दोस्तों गाड़ी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि टू रिड्यूस करता है या एलिमिनेट द रूटीन मैनुअल एंड द क्लरिकल टास्क, और हमारे जो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जो काफी ट्रिपिकल होते हैं, उन्हें भी क्या करता है, जो गलती होने के जहां चांसेस होते हैं उनको इलिमिनेट करता है, और हमारा प्रोसेस को क्या करता है, अच्छा बनाता है। तो ये कुछ बेटर हमारे एग्जांपल है ऑटोमेशन के। तो हमने देख लिया दोस्तों कि क्या इसके नीड थी, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, कि हमारा जो ऑटोमेशन है किस तरीके से हमारा यूजफुल है और किस तरीके से अनयूजफुल है, किस तरीके से हमारा एडवांटेज होगा और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्योंकि हमारा सारा काम क्या है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा हो रहा है। इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। रिड्यूस द डायरेक्ट ह्यूमन लेबर कॉस्ट एंड द एक्सपेंस, यानी जो हमारा डायरेक्ट ह्यूमन लेबर है वो रिड्यूस, कॉस्ट हमारी कम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन टाइम हमारा कम लगेगा और जो हैंडलिंग प्रोसेस है, जो हैंडलिंग टाइम है वो सिग्निफिकेंटली हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या एडवांटेज है एक तरीके से। रिड्यूस सम ऑक्यूपेशनल इंज्योरी, जो हमारी इंज्योरी हो जा रही है वो भी हमारी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं। अब देखो ये सारी चीजें हम करने से क्या, ये तो हमें लाभ मिल रहे हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन का जो हमारा इफर्ट लग रहा है वो भी रिड्यूस हो रहेगा, ठीक है, कॉस्ट भी कम लगेगी। इसके डिसएडवांटेज क्या है, आइए देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेज, कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं ऑटोमेशन के। अब होता क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, अनप्रिडिक्टेबल और द एक्सेसिव डेवलपमेंट कॉस्ट, जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, हाई इनिशियल कॉस्ट, मशीन को सेटअप करने में जो हमारी ऑटोमेशन मशीनरी होती है उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। वर्क, जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे, हमें उनको जॉब की जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब कम मिलेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हमारी क्या कर रही है, मशीनें काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हायर लेवल ऑफ मेंटेनेंस नीडेड, जो हमारी ऑटोमेशन होता है उसमें मेंटेनेंस जो होता है हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर मेंटेनेंस हमारा अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट हमारा अच्छा नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्वालिटी भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हमें जो मेंटेनेंस हमारी कॉस्ट
होती है, बहुत हाई लेवल का मेंटेनेंस होना चाहिए। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, जो हमारी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारी काम कौन कर रहा है, मशीन हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, काम कर रही है। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि ऑटोमेशन होता क्या है, नीड क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप के ऊपर। तो बात करते हैं दोस्तों कि ऑटोमेशन के हमारे टाइप क्या होते हैं। ये हमारा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि ऑटोमेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो हमारा जो ऑटोमेशन होता है वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा होता है फिक्स ऑटोमेशन, सेकेंड हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और हमारा थर्ड होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब ये तीनों का मतलब क्या है, किस तरीके से नाम डिसाइड किया है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि फिक्स्ड ऑटोमेशन हमारा क्या होता है। अब देखो, फिक्स्ड ऑटोमेशन जैसे नाम से क्लियर होता है, ऐसा ऑटोमेशन जो हमारा फिक्स हो, यानी ऐसी मशीन, ऐसी हमारी लाइन, ऐसी हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो फिक्स हो, यानी एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाती हो, एक ही तरीके की क्या करे, प्रोडक्ट को बनाए। अब एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बनाएगी तो होगा क्या, वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वह ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, और हमारा जो ऑटोमेशन है यानी फिक्स होगा, मशीनें कंटिन्यू एक प्रोसेस चल रहा है, दूसरा प्रोसेस होगा, तीसरा प्रोसेस होगा, यानी वो हमेशा फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोसेस हमारा होता है फिक्स ऑटोमेशन। देखते हैं हमारी डिफिनेशन क्या कह रही है। पहला पॉइंट कर रहा है कि यूज ऑफ द स्पेसिफिकल पर्पज ऑफ द इक्विपमेंट टू ऑटोमेट ए फिक्स सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेसिंग और असेंबली ऑपरेशन, यानी ऐसा ऑपरेशन जो हमारे स्पेसिफिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, वो हमारे फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करता है। और जैसे कि हमारी असेंबली ऑपरेशन होती है, जैसे कि हमारी गाड़ी का हमें बनाना है, असेंबल करना है, कोई हमें टूल बनाना है, तो क्या है, वो फिक्स ऑटोमेशन है, फिक्स हमारी लाइन है। जैसे अगर हम बात करें, साथ में एग्जाम्पल भी बात करते हैं, जो हमारी शुगर मिल होती है, वहां पर क्या होगा, शुगर मिल में हम क्या करते हैं, शुगर मिल का ही यूज करेंगे, वहां क्या फिक्स ऑटोमेशन है, यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी असेंबली लाइन होती है, वह भी हमारी क्या फिक्स ऑटोमेशन है। जहां भी हमें मास प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, फिक्स ऑटोमेशन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्या एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। सपोज दैट हमें बल्ब बनाना है, क्या करना है, बल्ब बनाना है। अब हमें बल्ब बनाना है, एक ही तरीके के हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बल्ब बनाए जा रहे हैं, तो क्या है, फिक्स ऑटोमेशन है, क्योंकि वहां का प्रोसेस जो है फिक्स है, और एक ही प्रोसेस को स्पेसिफिकल पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस हम क्या करते हैं, जहां पे मास प्रोडक्शन ज्यादा जरूरत होती है, हमारा प्रोसेस फिक्स होता है, वहां पे हम फिक्स ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देखो, आपको और क्लियर होगा कि इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू एकोमोडेट चेंज, इसको चेंज करना आसान नहीं होता है, इन द प्रोडक्ट डिजाइन, इसकी डिजाइन को, वही कह रहा हूं कि एक ही तरीके का हमारे प्रोडक्ट बनाना है, उसके डिजाइन को चेंज नहीं करना है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, फिक्स ऑटोमेशन का यूज करते हैं। इसे हम हार्ड ऑटोमेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, इसके फीचर क्या क्या होते हैं, जहां पे हम फिक्स ऑटोमेशन का यूज करेंगे तो इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो हाई होती है, यानी हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है, फिक्स होती है, तो इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होती है। रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, कहने का मतलब क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। इन एकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंज, यदि हमारा कोई प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, फिक्स ऑटोमेशन है, एक तरीके के ही प्रोडक्ट को बनाएगा, एक तरीके की ही डिजाइन को बनाएगा। इसमें होता क्या है, हाई प्रोडक्ट रेट, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, इसलिए इस तरीके से हम यूज करते हैं। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, जो हमारी मटेरियल होती है उसमें हैंडलिंग की हमारी ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो हमारी कुछ असेंबली लाइन होती हैं, मशीन ट्रांसफर लाइन होती हैं, ठीक है, शुगर मिल होगी, ये सारी हमारी क्या फिक्स ऑटोमेशन है, ये कंटिन्यू एक तरीके से ही मतलब काम करती हैं, एक तरीके के ही प्रोसेस से काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है, जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब क्या कह रहा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, अब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से क्या मतलब है, जहां पे हमें प्रोग्राम बना के काम करना पड़े, यानी कहने का मतलब एक अपडेटेड वर्जन है हमारा फिक्स ऑटोमेशन का। सपोज दैट अब हमें क्या है, अब हमारी डिजाइन क्या है, जरूरी नहीं है, डिजाइन क्या है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है भाई। अब हमें कोई नया ऑर्डर मिल गया, नया हमारा
कोई प्रोसेस आ गया। जैसा कि आप देखते हैं मोबाइल हमारे क्या होते हैं, ऑलरेडी अपडेटेड होते हैं, उनके डिजाइन अपडेट होते हैं, उनके फीचर अपडेट होते रहते हैं। तो क्या है उनमें हमें क्या नए नए प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम मेबल ऑटोमेशन में क्या होता है। तो कह रहा है कि द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज डिजाइंड विथ कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू अकोमोडेट डिफरेंट प्रोडक्शन कॉन्फिगरेशन। यानी ऐसा जहां पे हम क्या करें डिजाइन को उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें सीक्वेंस के हम कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हमें कॉन्फिगरेशन करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। यानी उसके प्रोग्राम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हमारा कैसा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल बाय ए प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारे उसके फंक्शन होते हैं ऑपरेशन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से, उसके जो पैरामीटर हैं। दिस इज सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोडेड, जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, सो दैट दे कैन बी रीड एंड इंटरप्टेड बाय द सिस्टम। जो क्या करता है रीड करता है जिस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं, और उसी तरीके से हमारी डिजाइन को उसके प्रोसेस को क्या करता है करता है। तो ये हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है वह हमारा क्या होता है। अब जैसे आपने मोबाइल की अगर कंपनियां देखी होंगी, फीचर हमारे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जैसे कि हमें कई टाइप के हमारे मोबाइल आते हैं, कई सारी की हमारी कंपनियां आती है, उसके डिजाइन आते हैं, उसका प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिजाइन होती है ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हमारा कस्टमर, अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या है, ये चेंज होती रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं चेंजिंग कर सकते हैं इजिली प्रोग्राम के द्वारा। जो कुछ हमारी मशीन होती है एनसी मशीन टूल्स है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है, वो हमारे क्या है एक तरीके से प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में आते हैं। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखो कह रहा है कि न्यू प्रोग्राम कैन बी द प्रिपेयर, न्यू प्रोग्राम हम बनाते हैं एंड इंटर इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, और हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जाता है जैसे कि हम क्या कर सकते हैं प्रोग्राम को चेंज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके फीचर क्या है कि हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी दोस्तों इसमें हाई होती है, लोअर प्रोडक्शन रेट देन फिक्स ऑटोमेशन, इसमें हमारा जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो फिक्स ऑटोमेशन की अपेक्षा कम होता है, सुटेबल फॉर द बैच प्रोडक्शन। अब ये क्या है बैच प्रोडक्शन है, अब यहां मास प्रोडक्शन होता है बैच प्रोडक्शन होता है, ये टाइप होते हैं प्रोडक्शन के हमारे। तो ये हमारा कहां यूज करते हैं बैच प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है वो उससे कम होता है फिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पॉइंट फ्लेक्सिबल टू डील विद डिजाइन वेरिएशन। अब इसमें क्या है ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, अगर हमें उसके डिजाइन में वेरिएशन हमारा आता है उसमें कुछ चेंज करना है तो हमारा क्या होता है ये हमारा एक तरीके से प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। सपोज दैट हम क्या करते हैं प्रोग्राम को चेंज करते हैं, प्रोग्राम को चेंज करते ही उसके हमारे जो जिग होते हैं, जिग हैं, फिक्सचर हैं, उसमें हम चेंज कर देते हैं, उसको चेंजिंग करने में हमें टाइम नहीं लगता और उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं उस ऑपरेशन को हम इजिली कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑपरेशन होता है ऑटोमेशन होता है वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या है, जो हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है उसी का अपडेट वर्जन एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। वहां पे हम क्या है जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें जिग को, फिक्सचर को, उसके टूल को सबको चेंज करना पड़ता है, बट फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या आता है होता है यहाँ पे हमारी लाइन रन होती रहती है कंटिन्यू, और वहीं पे हम क्या कर सकते हैं इजिली बस चेंजिंग करते हैं अपने ऑटोमेशन को, सिस्टम को, और वो क्या हो जाता है बिना टाइम को लॉस किए हुए चेंजओवर को वही ऑटोमेटिक सारी चीजें, उसके जो जिग है, उसके फिक्सचर है, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और वो एक फ्लेक्सिबली वर्क करता रहता है। इसे हम सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारा पॉइंट हमारा कह रहा है कि द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ द पार्ट, कई सारे पार्ट बनाती है विद द वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट ऑफ चेंज ओवर, जिसमें हमारा चेंज ओवर में कोई टाइम लॉस नहीं होता फ्रॉम वन पार्ट स्टाइल टू द नेक्स्ट। यानी हमें कई सारी डिजाइने बनानी है एक ही पार्ट में तो भी क्या होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में इसलिए हो जाता है ऑटोमेटिक, क्या होती है सारी प्रोसेस होता रहता है और चेंजिंग हमारी होती रहती है। ठीक है, कोई इसमें टाइम का लॉस नहीं होता, ना हमें जिग को चेंज करना है, ना उसके फिक्सचर को, ना टूल को, सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में, टाइम का लॉस नहीं होता। कह रहा है कि देयर इज नो लॉस प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन का कोई लॉस नहीं होता व्हाइल द रीप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरनेटिंग द फिजिकल सेटअप, उसके फिजिकल सेटअप में, उसके रीप्रोग्रामिंग में।
नेक्स्ट हमारा कैसा है, इसमें हमारा फीचर क्या है, जो हमारी मीडियम प्रोडक्शन, इसका जो प्रोडक्शन होता है मीडियम होता है, हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी इसमें हाई होती है, फ्लेक्सिबल टू डील विथ प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन, फ्लेक्सिबल है उसके डिजाइन को चेंज करने में, प्रोडक्ट की डिजाइन करने में, क्योंकि ये हमारा जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से क्या है बेटर है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है, कई सारे हमारे जो प्रोडक्ट है मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटिन्यूअस इसमें क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। मोस्टली हमारा जो दोस्तों रोबोटिक होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वही ऐसी मशीनें होती है जो हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन को यूज की जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेशन हमारा पूरी तरीके से क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। पीएलसी के बारे में कि क्या रोल होता है पीएलसी का ऑटोमेशन में और रोबोटिक में, ठीक है, तो आपने सुना होगा जो हमारा पीएलसी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो 1964 में डिक मॉर्ले ने सबसे पहली पीएलसी बनाई थी। अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है पीएलसी प्रोग्रामेबल मतलब क्या है, प्रोग्राम के द्वारा जो करेगा क्या करेगा चलेगा, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे जिस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे उस तरीके से हमारी मशीन क्या है ऑपरेट करेगी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और उसी तरीके से क्या होगा कंट्रोल करेगा, यानी अगर हमें पूरी असेंबली लाइन को कंट्रोल करना है, पूरी एक लाइन को देखा होगा आपने, बहुत सारी क्या होती है कोई लाइन होती है तो उसमें क्या होता है बहुत सारे सर्किट होते हैं, बहुत सारी वायर लगी होती हैं, सब कुछ ठीक है, अगर उनको क्या करें हम कभी खराब हो जा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ट्रिपिकल होता है कि चीज को हमें कंट्रोल करना, एक चीज को समझना, तो उसमें हम क्या करते हैं पीएलसी का यूज करते हैं, जिसमें हमारा यूजर्स होते हैं, मेमोरी होती है, तो वहां से क्या करते हैं हम एक तरीके से हम पूरे एक असेंबली लाइन को, पूरे इस सिस्टम को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम के द्वारा, इसका नाम ही है पीएलसी। इसे हम पीएलसी का यूज एज ए कंप्यूटर में इंडस्ट्रियल पर्पज से करते हैं, इसीलिए हम इसका इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है उस तरीके से यह एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, जिसमें हम क्या करते हैं इंडस्ट्री पे अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इस पीएलसी का यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सीएनसी मशीनें हमारी होती हैं, रोबोटिक मशीनें होती हैं, वो सारी क्या है एक हमारी पीएलसी के द्वारा क्या होती है कंट्रोल होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी जो असेंबली लाइन है वो आजकल रोबोटिक से, सीएनसी से या फिर एनसी मशीनों से चलती है, तो वहां पे क्या है पीएलसी का यूज होता है और हमारी ये पूरी असेंबली लाइन जो है एक तरीके से पूरी कंट्रोल होती है विद द हेल्प ऑफ पीएलसी के द्वारा। तो देखते हैं इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्टली क्या कह रहा है कि हमारा जो पॉइंट है कह रहा है कि रोल ऑफ पीएलसी इज टू ऑटोमेट प्रोसेस बाय सेंडिंग प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन टू आउटपुट डिवाइस बेस्ड ऑन सिग्नल रिसीव फ्रॉम कनेक्टेड इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब जिस तरीके से हम सिग्नल देते हैं, हमारा जो इनपुट हमारा सिग्नल होता है जो रिसीव करने के बाद जो आउटपुट देगा वो किस तरीके से फंक्शन करता है, वो एज ए प्रोग्राम हम जिस तरीके से सेंड करेंगे उस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन क्या होता है कंट्रोल होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एन इनपुट डिवाइस मेजर एंड ट्रांसमिट द डाटा, जो हम इनपुट देते हैं इस पे वो किस तरीके से करता है डिवाइस, कह रहा है जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो कहते हैं मेजर करता है एंड ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम अ सिस्टम, और जो डाटा हम इंटर करते हैं प्रोग्राम में इंटर करते हैं उसको क्या करता है ट्रांसमिट करता है सच एज ए सेंसर, जैसा कि हमारा सेंसर होता है, स्विच होती है, थर्मोमीटर होता है, रिले होती है, ये सारे हमारे क्या एज ए इनपुट डिवाइस के तरीके काम करते हैं कंट्रोलर के तरीके से। जैसे आपने देखा होगा स्विच हमारी होती है क्या, हम एक स्विच के सहारे हम क्या कर सकते हैं बल्ब को ऑन और ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या किया एक हमने प्रोग्राम किया, ठीक है, अब ये क्या है पूरी वायर कनेक्ट है, यहाँ पे वायर कनेक्ट है, एक हमारा कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे एक बल्ब हमारा लगा हुआ है, अब हमने क्या किया यहाँ पे प्रोग्राम किया एज ए स्विच के तरीके रिले के तरीके काम कर रहा है, इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं तो सर्किट उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा ऑन और ऑफ होगा और ये हमारा लाइट क्या जलेगा, तो ये क्या है एज ए सेंसर के तरीके हमारा काम कर रहा है और जो मेजर कर रहा है और उसे कंट्रोल कर रहा है। थर्ड हमारा जो पॉइंट कह रहा है कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर, जो हमारा पीएलसी है कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है
एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस टू स्पेसिफिक मशीन फंक्शन। और हमारा जो प्रोसेस है किस तरीके से स्पेसिफिक मशीन फंक्शन करेगी, वह सारी चीजें हमारी पीएलसी के इंक्लूड होती हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पीएलसी कैन बी नेटवर्क्ड। पीएलसी हमारी क्या है, एक तरीके से हमारा नेटवर्क का काम करती है। जैसे कि ए नेटवर्क कैन बी कंट्रोल एन एंटायर प्रोडक्शन लाइन। वो पूरी प्रोडक्शन लाइन को, इस तरीके से हमारी सपोज दैट लाइन है, प्रोडक्शन लाइन पूरी है, उसको क्या कर सकती है, पूरी लाइन को एज ए नेटवर्क तरीके कंट्रोल कर सकती है। यानी अगर हम पूरी लाइन को कंट्रोल करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ पीएलसी से पूरी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है जो क्या है पीएलसी के यूज करते हैं हम ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द पीएलसी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जैसे कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली पीएलसी का यूज करते हैं टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इससे हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है एंड परफॉर्मेंस हमारा क्या होता है, बेटर होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि मिनिमाइज टू नीड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मिनिमाइजिंग टू नीड फॉर ह्यूमन ऑपरेटर। जो हमारे ह्यूमन ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो भी कम लगने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पीएलसी काम कर रही है वो एज ए कंट्रोल तरीके से काम कर रही है, पूरी लाइन कंट्रोल हो जा रही है, तो ऑपरेटर भी कम जरूरत पड़ती है। एंड द चांस ऑफ ह्यूमन एरर, और जो ह्यूमन एरर के चांस हमारे होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो एज पीएलसी की तरीके से क्या रोल है पीएलसी का हमारा ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में वह प्ले करते हैं। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। कह रहा है कि द वेरियस एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन, कि कौन कौन से हमारे वेरियस एलिमेंट होते हैं ऑटोमेशन पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया पीएलसी ऐसे मैंने क्या है, जो हमारा पीएलसी होती है एज ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल की तरीके क्या है, काम करती है, एक इंडस्ट्रियल हमारा क्या तरीके से हमारा क्या है, कंप्यूटर है। तो इसमें कौन कौन से वेरियस एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा पावर है, इसके बाद ये एक प्रोसेस है, कंट्रोल सिस्टम होता है, और एक हमारा प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो हमारा पावर होता है ये एक एम्प्लाइज होता है एज ए प्रोसेस की तरीके से। यानी अगर हम प्रोसेस को हमें रन कराना है तो किसकी हेल्प से होगा, वह पावर की हेल्प से होगा। पावर हमारा किस तरीके से मिलेगा, एज ए इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होगा और उसी तरीके से हमें प्रोसेस में किस तरीके से काम करना है वह करेगा। और हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो एज ए कंट्रोल सिस्टम की तरीके कंट्रोल होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम ऑफ द इंस्ट्रक्शन से। यानी जिस तरीके से हमने प्रोग्राम दिया हुआ है उस सिस्टम पे कि ऑपरेट हमारी मशीन क्या होगी, प्रोग्राम हमारा काम करेगा इंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसी तरीके से हमारा सिस्टम भी क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। क्योंकि क्या है, हमने प्रोग्राम दिया, इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के तरीके हमारा पीएलसी काम कर रहा है। तो एक ऑटोमेशन के क्या है, वेरियस एलिमेंट है जो फिर क्या करते हैं, उस सिस्टम को कंट्रोल भी करते हैं और कंट्रोल करने के बाद किस तरीके से उसमें प्रोसेस करना है तो ये प्रोसेस को दिखाता है। इस सर्किट डायग्राम हमारा ये दिखाता है कि हमारे क्या क्या एलिमेंट है ऑटोमेशन के द्वारा। जैसे कि हमारा पावर है, पावर हमें भाई सबके लिए चाहिए, प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्ट होगा उसके लिए पावर चाहिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए चाहिए और प्रोसेस के लिए पावर हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये कुछ एलिमेंट है, वेरियस एलिमेंट है ऑटोमेशन के। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये हुआ दोस्तों पीएलसी का रोल हमारा, कि क्या होता है ऑटोमेशन में और रोबोटिक्स में। थैंक यू।